Hey guys, good morning. कैसे हैं आप लोग? Hope you are doing absolutely fine. और सुबह हो गई है, एक घंटे पहले ही मैं उठ गई थी, बट बेड से निकलने का मन नहीं हो रहा है. बाहर मुझे दिख रहा है स्नोफॉल हो रही है. कल भी टेम्परेचर काफी कम था, मतलब अराउंड -8, -9 था. बट आई वॉज जस्ट चेकिंग द टेम्परेचर, अभी हो रहा है -10 degrees और बाहर अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है रात भर. तो अंदर नहीं लगती है सर्दी, बट होता है ना कि बाहर देख के विंडो से बाहर ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ठंड है. बट उठना पड़ेगा, काम है, वीकडे है. और एक्चुअली हमारा एक कोरियर आना था और वो कल आया था व्हेन वी वर नॉट एट आवर होम. तो कोरियर वाले क्या करते हैं, यहाँ पे मेल बोलते हैं, तो कोरियर वाले एक स्लिप दे जाते हैं आपके गेट पे एंड उसमें एड्रेस लिखा होता है कि आप यहाँ से आके अपना कोरियर कलेक्ट कर सकते हैं. तो बस अभी जल्दी से जाएंगे और कोरियर कलेक्ट करेंगे. और चलिए आपको बाहर का वेदर भी दिखाती हूँ. काफी ठंड है, देखने में तो लग रहा है. ये देखिए, अच्छी खासी स्नो हुई है रात में और अभी भी स्नो शावर्स हो रहे हैं. बट यहाँ पे ये है कि काम नहीं रुकता है आपका विंटर्स में, चाहे स्नो हो रही हो, जितना भी टेम्परेचर कम हो, बट पीपल कीप गोइंग, काम तो करना है. तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमें कहीं जाना होता है मॉर्निंग में, विंटर्स में स्पेशली जब स्नोफॉल हो रही हो, कैसे हम अपनी गाड़ी क्लीन करते हैं, हमने क्या क्या चीजें ले रखी हैं यहाँ पर जो कि बहुत यूजफुल रहती हैं और आपको एक आइडिया लगेगा. ऑल्सो गाइस, जो भी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने की, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये आपका रोज का ही सीन होने वाला है. तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है. तो इसीलिए पहले जल्दी से प्रॉपर कपड़े पहनेंगे, फुल विंटर गेयर, और फिर आके गाड़ी क्लीन करते हैं. सो गाइज, ग्लव्स पहन लिए हैं, नेक वार्मर, जैकेट, बूट्स, पूरा पहन के रेडी. और अब चलिए गाड़ी क्लीन करते हैं. गाड़ी की हालत देखिए. और ग्लव्स पहनना ही उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पहनेंगे तो आपके फ्रॉस्ट बाइट्स हो जाते हैं और ऐसे केसेस सुने हैं कि फिंगर तक निकालनी पड़ती है. तो प्लीज पूरा विंटर गेयर पहन के तभी आप ये स्नो क्लीनिंग चालू करें. और सबसे पहली चीज, दिस ब्रश, ये स्नो क्लीन करने के काम आता है. एंड दिस इज अ स्क्रैपर, आइस स्क्रैपर. तो जो जमी हुई आइस होती है वो इसकी हेल्प से निकल जाती है. तो चलिए फिर क्लीन करते हैं. कितनी ज्यादा आइस जमी हुई है देखिए, रात भर स्नो गिरी है और सुबह तक गिर रही थी. और ये नीचे देखिए पूरा. और गाइज, अब देखिए कितनी आसानी से स्नो निकल गई विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश. लेकिन जो आपकी विंडशील्ड पे जमी हुई आइस होती है उसको निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो उसी के लिए हमने ये कवर ऑर्डर किया था. ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था और ये बहुत बहुत हेल्पफुल है गाइज. क्योंकि क्या होता है कि बाकी गाड़ी से तो आइस निकालना इज ईजी, बट विंडो पेन से, विंडशील्ड से यहाँ पे आइस जम जाती है. तो उसको विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रैपर स्क्रेप करते रहना तो काफी टाइम लग जाता है. इसकी एजेस पे मैग्नेट है विच होल्ड्स इट. तो आपकी जितनी भी ज्यादा हवा चले आपका कवर मूव नहीं होता है. एंड सेकेंडली, आप जब इसको हटाते हैं और गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो इंटरनल टेम्परेचर काफी मेंटेन्ड रहता है. तो दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल, आई वुड हाईली रिकमेंड. और मैं दिखाती हूँ आपको इससे कितना फर्क पड़ता है. और देखिए कितनी इजीली ऊपर से आइस निकल जाती है. तो गाइज, अगर आप कनाडा आने का सोच रहे हैं, डेली आपको विंटर्स में एटलीस्ट दिसंबर से मार्च तक ये तो करना ही है. क्योंकि यहाँ पे पार्किंग्स होती हैं, गैराज होते हैं, बट ज्यादातर लोग उसमें गाड़ी नहीं पार्क करते हैं, मेनली लोग ड्राइववे में पार्क करते हैं. तो दिस इज अ डेली टास्क. लाइफ इन कनाडा इज नॉट दैट इजी. और देखिए कैसे पहाड़ बन गए हैं आइस के. एक्चुअली ड्राइववे में हम लोग आइस क्लीन करते हैं तो उसको हम यहाँ पे साइड से कलेक्ट कर देते हैं. और यही आइस जब जम जाती है आफ्टर 1 or 2 days, सो इट्स रियली हार्ड और स्लिपरी हो जाती है. जैसे अभी इट्स नॉट दैट स्लिपरी, पाउडरी फॉर्म में है आइस. लेकिन बहुत मजा भी आता है, नो डाउट.
पास देखिए, मेरे पैर ऑलरेडी आइस के अंदर घुसे हुए हैं। एक्चुअली आइस इतनी जमी नहीं है, स्टिल पाउडर फॉर्म में है, तो मुझे इतना स्क्रेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अदरवाइज जब आपकी आइस जम जाती है तो आपको विंडो पेन पे यूं स्क्रैच करना पड़ता है और बहुत डिफिकल्ट होता है आइस निकालना। बहुत ठंड लग रही है, गाल पूरे लाल हो गए हैं, हाथ भी, मैंने ग्लव्स भी पहने हुए हैं, उसके बाद भी हालत ख़राब हो रही है। तो ये क्या होता है, साइड मिरर्स को प्रोटेक्ट करता है, ग्लास प्रोटेक्टेड रहता है, और ये अंदर से खोल के मैं इसको भी निकाल दूंगी, सो इट्स वेरी ईजी टू रिमूव एज वेल। और बस इसको फोल्ड करके गाड़ी की डिक्की में, एंड इट्स वेरी ईजी। और ये देखिए विंडशील्ड पूरी प्रोटेक्टेड है, थोड़ी सी भी आइस नहीं जमी हुई है, तो ये कवर बहुत ही हेल्पफुल है। बोलने में भी अब प्रॉब्लम हो रही है, मुंह फ्रीज हो रहा है, और सामने देखिए बच्चे भी कुछ खेल रहे हैं आइस में। तो पहली चीज़ हो गई आपकी विंडशील्ड कवर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड हो गया आपका ये ब्रश, आप बहुत सारे ब्रांड्स इसमें अवेलेबल हैं, जो भी आपको लेना हो, एंड इट्स वेरी चीप ऑल्सो। ये स्नो जो का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो इसमें आपका ब्रश भी है एंड आइस स्क्रेपर दोनों है। तो दिस इज द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द थर्ड थिंग दैट यू नीड, दिस इज अ शॉवल। तो ये काम आता है आपका ड्राइववे क्लीन करने के, तो आपका जो चलने का रास्ता है वो इससे क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत हैवी हो जाता है आइस से भर के। ये बहुत मेहनत वाला काम है गाइस। देखने में इजी लगता है बट अच्छी खासी हालत खराब हो जाती है। और देखिए पूरा वाइट वाइट ऐसा लग रहा है, पूरी चादर बिछ गई है, रात भर स्नो हुई है। कल इवनिंग से एक्चुअली चालू हो गए थे स्नो शावर्स। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्नोफॉल हुआ है, और अभी स्नो क्लीनिंग ट्रक्स आई नहीं है, अदरवाइज वो रोड पे आपका सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं जिससे स्नो काफी हद तक मेल्ट हो जाती है, बट वो तभी इफेक्टिव होती है जब आपका कम स्नोफॉल हुआ हो। अभी काफ़ी ज़्यादा है, सो आई डोंट नो कितना असर करेगा वो सॉल्ट। को एक चीज़ बताना भूल गई कि यहाँ पे एडवाइजेबल रहता है कि आप विंटर्स में, बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, पूरे लिप्स मेरे फ्रीज हो गए हैं। तो एक्चुअली विंटर्स में स्पेशली दिसंबर से लेके मार्च तक आपको विंटर टायर्स लगाने का सजेशन रहता है। उससे क्या होता है, आपकी गाड़ी कम स्किड होती है स्नो में, और आपका इंश्योरेंस भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऑल्सो सेफ्टी वाइज इट्स वेरी गुड, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे विंटर टायर्स लगा लेते हैं। ऑल्सो ये एक लिक्विड होता है जो कि विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड कहलाता है, और इससे क्या होता है कि आपका जो वाटर आप स्प्रे करते हैं विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए, उसमें आप पहले से डाल देते हैं ये स्नोफॉल होने से पहले, जिससे कि आपका जो उसमें लिक्विड है वो फ्रीज ना हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज आपकी गाड़ी में काफ़ी डैमेज हो सकता है। और बहुत ही सस्ता है, आपको सारे सुपर स्टोर सब जगह मिल जाता है ये, एंड $2-3 का ये पूरा बॉटल आता है, और -35°-40° तक ये आपका सपोर्ट करता है टेम्परेचर। हमें भी काफ़ी टाइम हो गया डाले हुए, तो ये विप्लव उसमें डाल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, अदरवाइज आपकी गाड़ी में इंटरनली काफ़ी डैमेज हो सकता है। ऑल्सो विंटर्स में गाड़ी वॉश कराने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि स्नो गिरती रहती है तो गाड़ी बहुत गंदी हो जाती है। हालत देखिए कितनी गंदी हो गई है गाड़ी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है, -10° हो रहा है अभी, और हमें कोरियर लेने नहीं जाना होता तो हम इस वेदर में बाहर निकलते ही नहीं। एंड येस, दिस इज द लाइफ इन कैनेडा। तो जो भी लोग सोच रहे हैं यहाँ आने का, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको ये काम भी एक्स्ट्रा करना ही पड़ेगा, और बार बार मुझे ग्लव्स खोलना पड़ रहा है, वीडियो शूट करना पड़ता है बीच बीच में, और हाथ देखिए कितने रेड हो गए हैं, बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं हाथ। तो यस, अब हम जल्दी से जाएंगे और अपना कोरियर लेके आएंगे, थोड़ा सा और काम है मार्केट का, वो भी निपटाएंगे। सो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड आई विल सी यू सून गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय। और देखिए कितनी ज्यादा स्नो जमी हुई है, मतलब अभी हम मेन रोड पे नहीं आए हैं, अपने घर से बस निकल रहे हैं, पता नहीं कैसे पहुंचेंगे हम लोग वहां। आई थिंक मेन रोड पे क्लीन हो जाना चाहिए, अभी ये थोड़ा अंदर की साइड है इसीलिए स्नो क्लीनिंग ट्रक्स नहीं आए हैं यहाँ तक। मेन रोड आई थिंक क्लियर होगा। बहुत ही मुश्किल हो रही है ड्राइव करने में,
एंड आई एम जस्ट थिंकिंग हम लोग तो ऑन्टेरियो में हैं, मतलब GTA एरिया मिसिसागा में, जहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती है. जो लोग कैलगरी में होंगे या फिर यू नो एडमिंटन साइड एल्बर्टा प्रोविंस में, उनके लिए तो कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा. और देखिए जैसे जैसे हम मेन रोड पे आ रहे हैं तो यहाँ की रोड देखिए कितना क्लीन है. तो दिस इज द डिफरेंस. अंदर की साइड थोड़ा लेट क्लीन होता है और मेन रोड पे दे मेक श्योर दैट्स क्लीन्ड, क्योंकि यहाँ पे मूविंग ट्रैफिक कंटिन्यूस रहता है. यस द मेन रोड इज क्लीन. तो बस अब जाके हम अपना काम निपटाते हैं.